सो दोस्तों आजकल लॉस सैंटोस में क्या हो रहा है क्या पता। सो दोस्तों मेरे पुलिस स्टेशन से मेरे को भेजा गया है एक अनजान शहर पे, आई मीन गाइस शहर नहीं ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे कोई बस्ती लोग का बंदा रहता है। सो गाइस यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे ना जॉम्बी लोग का राज है, यहाँ पे एक जॉम्बी है जो लिटिल सिंघम की आई मीन मेरी तरह दिखता है। हाँ गाइस ये सुनने के बाद मेरे को भी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, भाई मेरी तरह बंदा वो भी जॉम्बी की तरह। चलो गाइस ये गाँव वाले से सबसे बातचीत करते हैं, भाई मिलते हैं, सब क्या कहते सब सुनते हैं। गाइस मेरी तरह जॉम्बी भाई सुनते हैं इन सब की बात। अरे जॉम्बी सुबह सुबह कब आना शुरू कर दिया, तुम तो जॉम्बी बाबा की तरह लगते हो बेटा। एक मिनट अंकल, भाई मैं कोई जॉम्बी नहीं हूँ। भाई ये लग देखो नशे करके बैठा है इसलिए उल्टा सीधा बक रहा है, भाई मेरे को देख के बोल रहा है मैं जॉम्बी की तरह हूँ। अरे भाई कसम से सब कितने ज्यादा अजीब लोग है। अरे एक मिनट वहाँ पे कौन बंदा है इतना सैड क्यों है? अरे सर जी क्या हुआ? बंटर अपन का सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पेठी मेरे बहू मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे उन सबको मार डाला उस जॉम्बी बच्चे ने, जॉम्बी ने सबको खत्म कर दिया, इसका बदला तो मैं लूंगा। अबे यार मेरे को लगता है ये गांव वाले ज्यादा सांद वाले नहीं लगते, ज्यादा ही गुस्से वाले। मेरे को लगता है यहाँ से फटाफट निकालना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मेरे को पुलिस स्टेशन से इनकी उड़ी ये आया है, जब तक मैं पता नहीं लगाता भाई ये जॉम्बी असलियत में है कौन और कौन इन सबको सताया रहे। सो गाइस मुझे तब तक पे रहना पड़ेगा। अबे यार ये क्या चल रहा है? अरे डिग्री 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 डिग्री। अरे भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, भागो। डिग्री 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 डिग्री। अरे भाई ये कौन सा गेम है? भाई ये दोनों बच्चे मिल के कौन सा गेम खेल रहे हैं? अबे यार कसम से बहुत ज्यादा अजीब बच्चे, हटो यार। भाई इन सब से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, लगता है गाइस ये मुल्क का राजा है रेड बंदा। भाई इसका तुम्हारा नाम क्या है? अपन का नाम है रेड कीगो। अरे तुम्हारा नाम है रेड कीगो? अरे रेड कीगो सर मेरे को ना इस गांव के बारे में कुछ जानना है, ये रात में क्या होता है इस गांव पे? अरे इस रात में इस गांव में होता है सुनसान, रात के 8 बजे से पहले कोई बच्चा यहाँ से निकलता है तो जिंदा कभी नहीं यहाँ से जा सकता। यहाँ पे राज है जॉम्बी लिटिल सिंघम का। अरे यार जॉम्बी लिटिल सिंघम ये बहुत अजीब लग रहा है। अरे सर ऊपर क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है नविता। नविता ऊपर काम कर रहा है, मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मैं नीचे चला जाऊंगा सर। आप कौन हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको ड्रैकुला के बारे में नहीं पता? जॉम्बी नहीं है वो, है लिटिल सिंघम ड्रैकुला। अरे ड्रैकुला लिटिल सिंघम, भाई ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। भाई आप कौन हो, इतना भाई झूम क्यों रहे हो? ड्रैकुला सर की सर, ड्रैकुला सर आप कैसे हो लिटिल ड्रैकुला? अरे यार मैं ड्रैकुला नहीं हूँ। हाँ सर आप लिटिल ड्रैकुला हो, आपके यहाँ पे स्वागत है सर ड्रैकुला, आज के लिए मैं आपका गुलाम हूँ सर ड्रैकुला। अरे यार सब ड्रैकुला ड्रैकुला मेरे को क्यों कह रहे हैं भाई, मेरे को पता नहीं। अबे यार ये कौन उल्टी खोपड़ी वाला बंदा है? भाई मेरे को ना ड्रैकुला ड्रैकुला कहते हैं। भाई मैं कौन सा ड्रैकुला की तरह लग रहा हूँ? मेरा कोई दांत भी नहीं है बाहर आने वाला और देखने में मैं ह्यूमन की तरह लग रहा हूँ और कहते हैं सब लोग ड्रैकुला। सो गाइस छोड़ो, मुझे इस पूरे गाँव पे रहना पड़ेगा पूरे दिन, जब तक मेरे को पता नहीं लगता ये ड्रैकुला जॉम्बी लिटिल सिंघम ड्रैकुला इन सब के बारे में मेरे को पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस मैं सारा इन्फॉर्मेशन लेके जा सकता हूँ हमारे पास वाले पुलिस स्टेशन पे। बट यहाँ पे 3 बंदे क्या ही खड़े थे, एक बंदे तो नीचे चला। एक मिनट मेरा कार ऑटोमेटिकली इन सबको धक्का मार रहा है। अरे भाई ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगा, शिट शिट मैं भी क्या कम से भाई साहब नीचे गिर गया। अरे फाइनली बच गया यार। एक मिनट कसम से भाई ये कौन सा सीन था? अरे दोस्तों लोग तुम ठीक हो? अबे यार ये सारे तो ह्यूमन है लेकिन मेरे कार ने मेरे को अचानक से ऐसे धोखा क्यों दे दिया? अचानक से गाइस मेरा कार ना सामने चला गया। अरे तुम इंसान ठीक हो क्या तीनों? अरे देखो तो बिल्कुल भी नहीं लगते लेकिन मेरा कार के साथ अचानक से हुआ क्या जो ऑटोमेटिकली सामने जाके तीनों को धक्का भी मार दिया। अबे कौन हंस रहा है गाइस, ये जगह कोई साफी जगह है? एक मिनट मैं तो कार में भी नहीं बैठा लेकिन ये कार ऑटोमेटिकली सामने क्यों जा रहा है? अरे उसकी इसको ढूंढ रहा है, मार डालूंगा, भाग जाओ इंसान, ये शहर ये गांव ये हर इंसान हमारा है, भागो। अरे गाइस मैं कौन सी भूत गिरी पे आ चुका हूँ यार, ये तो बड़ा डेंजर है। अरे गाइस भागो भागो भाई, मेरे को जान बचाओ यार, प्लीज प्लीज कोई बचा लो। तुम नहीं बचोगे, तुम इंसान मेरे को मारने के लिए यहाँ पे आए हो। अरे नहीं नहीं मुझे सिर्फ पता लगाना है गांव के पीछे राज क्या है, ये सारे के सारे इतना अजीब बंदे क्यों है? भाई ऊपर चढ़ते हैं, भाई मेरा कार्ड ना साबित कर बन चुका है, मेरा एक ही लौता कार्ड था गाइस जो मेरे को मेरे पुलिस स्टेशन से दिया गया था लेकिन वो भी भाई साबित कार्ड बन चुका है। अभी ना गाइस मुझे फटाफट अंदर जाना पड़ेगा और रात होने का इंतजार करना पड़ेगा।
उसके बाद मेरे को पता लगेगा ये ड्रैकुला नाम का शख्स कौन है। लेकिन भाई ये तो जगह से पूरा घेरा हुआ है, मुझे ना गाइस कोई शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। आ गया रे, चलो गाइस मैं गांव के अंदर तो एंट्री मार दिया, अभी मेरे को गाइस चुपचाप रहना पड़ेगा, सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा रात होने का। उससे पहले गाइस मुझे ना एक बंदे से बातचीत करके डील हम लोगों का करना पड़ेगा, नहीं तो गाइस रात होने का टाइम मुझे एक बंदे की जरूरत है जो मेरा हेल्प करेगा ये ड्रैकुला को ढूंढने के लिए। सो गाइस वो लिटिल सिंघम ड्रैकुला मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, इस बंदे से पूछता हूँ, अरे भाई तुम क्या मेरी मदद करोगे? ड्रैकुला की जय हो। अरे लगता है गाइस ये बंदा कोई अलग नशे में बैठा है। मुझे ना गाइस सामने वाला जो ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना था की को, हाँ गाइस वो बंदा मेरे को ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन गाइस वो ज्यादा ही सैड है। क्यों गाइस? उसने अपने फैमिली को खो दिया भाई, ये नॉर्मल बात है, सैड तो होगा ही। अरे सर आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो क्या? मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन मेरा फैमिली जा चुका है। अरे तुम क्यों स्पीड ड्रैकुला को खत्म करोगे? हाँ आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ ऐसा। अरे सच में आज तक कोई भी बंदा ड्रैकुला को नहीं मार सका, तुम करोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा बंदे। अरे ठीक है, उससे पहले मुझे ना आपके घर में थोड़ा रहना पड़ेगा, मेरा कार खराब हो चुका है, यही मेरा एक स्टे करने का एक जगह है। अरे ठीक है बंदे, तुम हमारे घर में रह सकते हो, लेकिन संभाल के, रात होने के बाद ये जगह बहुत डेंजर हो जाता है। हाँ हाँ मैं सब संभाल लूंगा, ओके गुड नाइट। All right, guys. भाई मैं ना सो गया था, एक मिनट, इतना जल्दी रात भी हो गया? हाँ बंदे बाहर मत जाओ। अरे यार मेरे को पता लगाना है, डरने से कोई बात नहीं होगा। अरे यार इतना अचानक से रात भी हो चुका है, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी मेरे को ड्रैकुला को ढूंढना पड़ेगा। अरे बंदे अभी 8 बजने वाला है, 8 बजने से पहले तुम खटपट घर के अंदर आ जाओ। अरे नहीं यार आप डरो मत, मैं ना इन सबको पता लगाना चाहता हूँ, ये सारे कितने अजीब क्यों है, अरे कौन है ड्रैकुला, कौन है ज़ॉम्बी, लिटिल सिंघम ड्रैकुला, ये नाम तो मेरे से जुड़ा हुआ है, लगता है इसके पीछे कोई बड़ा सा राज है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। कीको तुम मेरा पीछा कर सकते हो? अरे प्लीज यहाँ पे आ जाओ तुम। अरे तुम डरो मत, मुझे इसका पूरा राज का पर्दाफाश करना पड़ेगा। एक मिनट भाई, अचानक से ये सब चेंज क्यों हो रहा है वो इधर? भाई कभी तो बहुत ज्यादा रात हो रहा है और हर जगह पे आग क्यों लग रहा है? गाइस आपको क्या नजर आ रहा है? गाइस देखो हर जगह आग आग मेरे को नजर आ रहा है, मुझे लगता है जहाँ पे आग मेरे को दिखाई दे रहा है वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अरे मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है पंटर, याद है इतने रात में मैं जिंदगी में बाहर नहीं गया, मेरा फैमिली बाहर गया था इतने रात पे, वो कभी लौट के नहीं आया पंटर, प्लीज तुम भी मत जाओ, तुम भी मेरे को भूल जाओ, तुम भी मर जाओगे पंटर, प्लीज मेरी बात सुनो पंटर, मत रात मत जाओ। अरे यार डरने से कोई बात नहीं होगा, हम लोग को पता लगाना पड़ेगा, कीको मेरे पीछे आ जाओ। सो दोस्तों भाई यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे 2 मिनट ठहरते हैं, और यहाँ पे सामने वाला घर का जो रुद्रा है गाइस ये बहुत ज्यादा अजीब मेरे को लगता है, आज रात इससे बातचीत करते हैं। अरे रुद्रा आप इतने डरे हुए की हो? वो आने वाला है, वो आने वाला है, भागो भागो, वो आने वाला है, वो खतरनाक ड्रैकुला आने वाला है, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर में अकेले रहने दो। अरे ये क्या हुआ भाई, ये कौन सा नशा करके बैठा था? अरे कीको ये रुद्रा के साथ क्या हुआ? इंसान इंसान, ये लिटिल सिंघम सोचा था ये हमारे गांव पे आके हम लोगों को बचा सकते हैं, मैं हूँ ड्रैकुला, रात का ड्रैकुला, लिटिल ड्रैकुला। मेरे बेटे सुनो, आज स्पीड लिटिल सिंघम को अपनी औकात दिखा दो, बता दो हम ऐसे वैसे ड्रैकुला नहीं है, हम है लिटिल ड्रैकुला। मैं समझ गया मेरे पापा, मैं सब कुछ समझ गया, आज रात होने वाला है लिटिल सिंघम का तांडव। एक काम हमारे हमारी मुट्ठी में है, और उस लिटिल सिंघम को हमारी मुट्ठी में करके पूरे शहर पे बचा देंगे, ये लिटिल सिंघम का ड्रैकुला का ख्वाब। कैसा लगा मेरा प्लान पापा? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, जाओ उसको खत्म करो। अरे कहाँ से क्या आवाज आ रहा है? लेकिन गाइस बारिश ना धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उससे पहले गाइस ये ऊपर जो आग जल रहा है मुझे जाके देखना पड़ेगा ये आग अचानक से क्यों जल रहा है, और इतने रात में इतना जोर से बारिश हो रहा है, भाई ये आग का पावर तो बहुत ज्यादा है, इतने बारिश में भी जल रहा है। चलो ऊपर जाके देखते हैं गाइस, मुझे कुछ हो जाए गाइस, उससे पहले आप ना वीडियो को फटाफट लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों गाइस मरने से पहले ना मैं आपका हाथ का सब्सक्राइब देखना चाहता हूँ, ये मेरा शौक है। चलो गाइस कर दो। अरे एक मिनट, पैर फिसल गया, यार नीचे गिर गया। एक मिनट भाई किसने धक्का मार दिया क्या था? भाई इतना जोर से क्यों नीचे गिर गया? चलो गाइस छोड़ो ऊपर जाके देखते हैं। एक मिनट भाई ऊपर तो अलग ही सीन चल रहा है, ये बंदा कौन है? आओ हमारे साथ ड्रैकुला, ड्रैकुला आपका इंतजार है लिटिल ड्रैकुला, सबको राख कर दो, खाक कर दो, कोई भी ना बच सके, हमारे साथ ड्रैकुला सबको मार डालो। अरे यार ये तो वही बंदा है सिबा, अभी रात का टाइम ही है तो बहुत ज्यादा भयंकर बन चुका है।
ठीक है मेरे पापा, मैं समझ गया, अब आप चिंता मत करो। अभी मैं क्या करता हूँ, पिद्दी का पूरा सब कुछ सरकट का अलग कर दूंगा लिटिल सिंघम का। मुझे इन सबको देखना पड़ेगा, ये सब हमारी मुट्ठी की तरह आंख चला रहे हैं क्या नहीं। ये हमारा रिवाज है, हर रात पूर्णिमा के टाइम यहाँ पे आंख चलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज रात होगा उस लिटिल सिंघम का खेल खत्म। हम है लिटिल ड्रैकुला, हम ऐसे वैसे बंद नहीं। अरे कीको यार, यहाँ पे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा यार, फटाफट नीचे चल। दोस्तों मुझे ना दूसरे कहाँ कहाँ पे आंख लग रहा है सबको देखना पड़ेगा। बट लग गया रे। ऑल राइट गाइस, वहाँ पे भी आग चल रहा है, लग गया वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा उस ले आ पाता हूँ क्या नहीं। भाई उसको मैं होश पे ले आया तो आई थिंक सब कुछ ठीक हो सकता है। उससे पहले गाइस मुझे उससे बातचीत करना पड़ेगा। वो तो अपने घर के एकदम छत पे उठा पड़ा है यार, कैसे इतना ऊपर चढ़ूं यार। मुझे लगता है कीको की मदद लेना पड़ेगा। अरे कीको तुम तैयार हो? ऑल राइट गाइस, ऊपर तो आ चुके हैं, अभी ना उस साइड से मुझे जंप करना पड़ेगा। फाइनली ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये बंदा ऐसे डरा क्यों है? अरे कीको ये दोनों क्या कर रहे हैं ऊपर? अरे पंटर अपन का कुछ नहीं मालूम, पंटर ये दोनों क्या कर रहे हैं? ड्रैकुला से रहने वाले हैं, सब तैयार रहो, ड्रैकुला आने वाले हैं। पूर्णिमा के रात लिटिल ड्रैकुला इस दुनिया में हाजिर होते हैं और सबको खत्म करते हैं। लिटिल ड्रैकुला आने वाले हैं। एक मिनट, ये के सिवा दूसरा है शेरा, दोनों मिलके ना ड्रैकुला को पुकार रहे हैं, लेकिन ड्रैकुला है कहाँ पे गाइस? मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ, एक बार मिल गया ना उसकी मैं बत्तीसी बाहर निकाल दूंगा। इन सारे गांव वाले के अंदर ना इस ड्रैकुला के बच्चे ने पूरा गाइस खौफ बैठा के रखा है, सारे के सारे बहुत ज्यादा डरते हैं ड्रैकुला से। और गाइस ये ना पूरा भक्ति है एक नंबर का, ये तो रो रहा है रेड की को, ये मैंने सोचा था बहुत ज्यादा हिम्मत वाला बंदा है। ड्रैकुला मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन मुझे मारो ये मत। ड्रैकुला प्लीज मुझे माफ कर दिया लिटिल ड्रैकुला। अबे लिटिल ड्रैकुला भाई, असली ड्रैकुला लिटिल ड्रैकुला भाई, ये होए कौन? एक मिनट गाइस, मुझे सब कुछ पता लगाने से पहले ना मुझे इन सबको होश में ले आना पड़ेगा, और देख के तो लग जाए गाइस ये सब इतने जल्दी होश में भी नहीं आने वाले हैं। अरे कड़े तो कड़े, क्या बोले तो बोले क्या। अरे यार कीको मेरा पीछा कर यार, मेरी मदद, तेरी मदद चाहिए मेरे को। ऑल राइट गाइस ऊपर आ चुके हैं, अभी देखते हैं गाइस वो बंदा ऊपर में क्या कर रहा है। एक मिनट, ये तो भाई नोबिता है, हाँ ये नोबिता है। ड्रैकुला ड्रैकुला हमारी मदद की है, ड्रैकुला मारिए सबको, खत्म कर दिए लिटिल ड्रैकुला, हमको बहुत ज्यादा मदद चाहिए लिटिल ड्रैकुला। अबे यार इन सब का वॉइस पूरा बदल चुका है कीको, यार क्या करा जाए यार, इन सब को होश में ले आना पड़ेगा। अरे पंटर चुपचाप घर में चलो, ये सारे के सारे बहुत भयंकर है, सारे मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। यार मुझे ना यार यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। बट ये कौन है? अरे इतना बड़ा बंदा टोपी पहन के क्यों बैठा है यार? मुझे इससे बातचीत करना पड़ेगा। क्या यही है लिटिल ड्रैकुला? अरे यार तुम कौन हो? तुम हो क्या लिटिल ड्रैकुला? अरे तुम तो बड़े भयंकर हो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मन्ने तू हमारे ट्रैप में आ गया, ये ले। अरे पंडर भागो भागो, किसने पीछे से अटैक किया? कब तक भागेगा पिद्दी की को? तू भी हमारी तरह गुलाम बनेगा लिटिल ड्रैकुला का। नहीं पंटर, नहीं पंटर अपन को बचाइए। अरे पंटर सर जी, लिटिल सिंघम सर हमको बचाइए, पंटर हमको मार डालेगा। अरे तुम मरेगा पिद्दी, ये ले। आप कब तक दौड़ेगा? अभी तो क्या काम से क्या? अभी पूरा मरेगा। ए पंटर, ए पंटर दर्द थोड़ा रही, ये दर्द थोड़ा लग रही है, ये ले मार डाला। अभी तो गुलामी करेगा, हम ड्रैकुला लोग का सबका गुलामी करेगा रे पेदे की को। अभी देख तेरे साथ क्या करते हम लोग। पंटर ड्रैकुला, अरे पंटर ड्रैकुला आप सबके इंतजार में हम बैठे हैं, सब लोग पुकार रहे हो लिटिल ड्रैकुला को, और सबको खत्म करेगा वो लिटिल ड्रैकुला। ओ ऐसी बात है, सो दोस्तों अभी समझा, ये है असली ड्रैकुला जो मेरी तरह सेम टू सेम दिखता है, लेकिन वो है ड्रैकुला। और गाइस ये लिटिल ड्रैकुला ना सबको मार के अपनी तरह एकदम का भक्ति बना रहा है, सब लोग सोच रहे हैं ड्रैकुला के अलावा इन सब का कोई नहीं है, इसलिए पूरा गांव वाले पूरा डरा हुआ है, समटा हुआ है, सारे के सारे पुकारते हमेशा ड्रैकुला को। सो दोस्तों अभी ना मुझे मेरा हथियार निकालना पड़ेगा और इन सबको अपना औकात दिखाना पड़ेगा, इन सबको पता नहीं मेरे हाथ में क्या दिया। अरे कौन है यार? अरे गाइस वो कीको भाग रहा है, कीको ना उन सबके बच में, कीको को गाइस मैं जब तक नहीं मारता ये ना गाइस सब तक पीछा करेगा, सबको ड्रैकुला बनाएगा। अरे यार गाइस मैंने तो लिटिल ड्रैकुला को मार दिया, लेकिन इसका कोई राजा हो सकता है? उससे पहले गाइस मुझे ना इस कीको को मारना पड़ेगा। पंटर छोड़ दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए। अरे गाइस तो लग गया, बहुत बढ़िया, और दो गोली मारते हैं।
सो गाइस ये कोई आम गन नहीं है, ये ना एक एलियन गन है गाइस। इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए गाइस ये ड्रैकुला ना बहुत ज्यादा असरदार हो रहा है इनके ऊपर। अरे गाइस मुझे देखना चाहिए इसका बॉडी, अरे देख के तो लगता है उठने वाला तो नहीं है। और गाइस यही बढ़िया मौका है, इस टाइम ना बंदा जब तक ऐसे लेटा पड़ा है तब तक गाइस ये पूरे गांव वाले बंदे को मुझे मारना पड़ेगा। चलो दोस्तों फटाफट चढ़ते हैं यार, सबको एक एक करके अटैक करके सबको मार डालते हैं। सबसे पहले गाइस जो वाटर टैंक में बैठा है उसकी बारी, वो आई थिंक गाइस शिवा हो सकता है। शिवा तू क्या काम से ओ रहा गाइस, वो भी बंदा भाग रहा है गाइस, उसको नहीं छोड़ सकते हम लोग। अरे यार चलो चलो यार, बहुत ही स्पीड से भाग रहा है नीचे, नहीं शिट अभी उसको मारना पड़ेगा। अरे इसके पूरा अंदर आग चल रहा है, नहीं सुबह होने सकता है, सुबह होने से पहले मुझे भागना पड़ेगा। सो दोस्तों यही मैं सोचू ये सब भाग क्यों रहे गाइस, ना सुबह हो चुका है, सुबह होने से पहले गाइस से ड्राकुला ना बाहर नहीं निकाल सकते। चलो यही मौका है, इस प्लस पॉइंट पे ना सबकी मैं बैंड बजा सकता हूँ। चलो दोस्तों फटाफट इसका पीछा करते हैं, शिट अरे लग गया रे। अरे चलो यार फटाफट ऊपर चढ़ते हैं, भाई ऊपर चढ़ चुका हूँ। अरे ये है रेड की को, रेड की को, चलो क्या काम से। ऑल राइट भाई बढ़िया काम किया मैंने। चलो मुझे ना गाइस पता लगाना पड़ेगा शाम होने से पहले इन सब का लीडर जायंट ड्रैकुला कौन है, उसको गाइस मैंने ढूंढ लिया तो सबका मैं बैंड बजा सकता हूँ। अरे गाइस वो खापे हो सकता है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक मिनट वो भाग कौन रहा है? हाँ तूने बहुत गलत किया मुन्ना। अरे भाई तू कब तक भागेगा, यही लगता है गाइस इन सबका राज है जायंट रेड ड्रैकुला। भाई एक दिन में आके मैंने इसका पूरा हालत खराब कर दिया, उसको तो मैं पूरा मार के जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा तेरे को, हमारे मालिक के ऊपर हाथ उठाता है पिद्दी बंदे। अरे एक मिनट भाई साहब, ये क्या था भाई, ये तो वही कार्ड है भाई जिसने मेरे पीछे पड़ा था भाई, इसके अंदर कोई साबित चीज है गाइस, मैंने उसको उड़ा दिया। लेकिन गाइस भाई पलक झपकते ही चला गया वो ड्रैकुला। इस बार तो बच गया पिद्दी, लेकिन लिटिल ड्रैकुला के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ इसके दूसरे पार्ट में मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, ये तो शुरुआत है। अभी तूने हमसे बदला मोड़ दिया है, तू बहुत ज्यादा तड़पेगा लिटिल सिंघम, तूने नहीं सोचा ये लिटिल ड्रैकुला क्या क्या नहीं कर सकता। अभी यार गाइस मेरा सर चकरा गया था और अचानक से भाई जंगल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। एक मिनट मेरे को याद आ गया, मैं तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जंगल पे आया था, ये जंगल तो शापित था, यहाँ पे गांव वासी सारे के सारे शापित थे। भाई तुम सब जिंदा कैसे हो? अरे थैंक यू सो मच यार सर जी, आपकी मदद से हम लोग जिंदा है। या मर गया, तुमने हमारी बहुत मदद किया यार, तो मैंने नहीं सोचा तुम मदद कर सकते हो, थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू सो मच लिटिल सिंघम। यार थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार सारे मिलके मेरे को थैंक यू क्यों बोल रहा है, मेरे को याद नहीं। दोस्तों जो भी हो गाइस मेरे को लगता है इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट सब्सक्राइब करो। और इसका पार्ट 2 चाहते हो तो क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए। बाय।